जोया अख्तर की आज चीज जब अनाउंस की गई तो इसे इस लिहाज से क्रिटिसाइज भी किया गया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग आधा दर्जन स्टार किड्स का यहां पर नेपो डेब्यू होने वाला है। लिहाजा ये एक बड़ा चैलेंज था इन सब स्टार किड्स के लिए, जोया अख्तर के लिए भी, कि ये फिल्म जब सामने आए तो वाकई में ये प्रूव कर पाए कि इन सबको लेना जोया का एक प्रोफेशनल डिसीजन था। अब जब आर्ची का ट्रेलर सामने आया है तो एक चीज तो सामने आ चुकी है कि ये एक देखने लायक फिल्म होने जा रही है। ट्रेलर में आप देख रहे हैं कि अगस्त्य नंदा है जिन्हें आर्ची का लीड रोल दिया गया है। द आर्चीज में आर्ची बने हैं अगस्त्य नंदा। रिवरडेल नाम के हिल स्टेशन पर ये पूरी कहानी है जहाँ पर वेरोनिका यानी सुहाना खान और बेटी यानी खुशी कपूर और डिल्टन डायली, युवराज मेंडा, एथल मक्स, डॉट के रोल में रेजी मेंटल, वेदांग रैना बने हैं। तो ये सब लोग मिलकर के यहाँ पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। विनय पाठक और अली खान इसमें आपको अहम रोल में दिखने वाले हैं। आर्ची एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, वहीं वेरोनिका ग्लैमर को फ्लॉन्ट करने में यकीन रखती है। इसमें बेटी आर्ची को प्यार करती है लेकिन आर्ची वेरोनिका को प्यार करता है। इसके साथ ही कई ऐसी चीजें रिवरडेल में होने लगती हैं जिससे ये सब परेशान होने लगते हैं और इनकी खुशनुमा जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। और इस सबके जो जो किरदार जिसे दिया गया है वो वाकई में वो उसे ढंग से निभाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेलर तो फिलहाल प्रॉमिसिंग लग रहा है। मूवी के दो गाने रिलीज हो चुके हैं, सुनो और वावा वूम, जो लोगों को पसंद भी आए हैं और ट्रेलर भी तारीफें बटोर रहा है। उम्मीद की जा रही है नेटफ्लिक्स पर 7 दिसंबर को स्ट्रीम होने वाली द आर्चीज लोगों का प्यार बटोर पाएगी।